हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे टैली प्रोजेक्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। 25 जुलाई तक की ट्रांजैक्शंस जो थी वो मैंने आपको बता दी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स पे ट्रांजेक्शन के लिए। और हमारी जो ट्रांजेक्शन चल रही थी वो पेमेंट एंड रिसिप्ट की थी ऑलमोस्ट। तो 26 जुलाई की ट्रांजेक्शन से हमें स्टार्ट करना था। फर्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 रुपीज़, सीता सैलरी 7500 रुपीज़, पैकिंग चार्जेस 1500 रुपीज़, लीगल चार्जेस 700 रुपीज़। तो ये जो सारी ट्रांजेक्शन है ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसको हम एक कॉमन ट्रांजेक्शन में भी कर सकते हैं, एक कॉमन वाउचर में भी कर सकते हैं, अलग अलग हमें वाउचर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका भी एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लेते हैं। और GST को इसमें आपने नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पर बिल्कुल GST आपने कुछ भी नहीं देना। और इसकी जो अमाउंट है वो है 3000 रुपीज़। यहाँ पे हम दोबारा से डेबिट कर देते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं वो हैं सीतास सैलरी। तो यहाँ पर हम एक लेजर बना लेते हैं सीतास सैलरी के नाम से, और इसको हमने ले लिया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें भी हमने GST को नॉट एप्लीकेबल रख देना है और इसको एक्सेप्ट करना है। अब इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 7500 रुपीज़। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 7500। अब दोबारा से हमने इसको डेबिट किया। डेबिट हमने क्या किया है, पैकिंग चार्जेस और लीगल चार्जेस। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक आइटम, एक लेजर बनाएंगे पैकिंग चार्जेस का। पैकिंग चार्जेस जो होता है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया नॉट एप्लीकेबल, इसको एक्सेप्ट किया। और पैकिंग चार्जेस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1500 रुपीज़ है, यहाँ पे हमने लिया। उसके बाद दोबारा से हमने डेबिट करना है, डेबिट हमने करना है लीगल चार्जेस को। लीगल चार्जेस हमने पे किए हैं और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इसको यहाँ पे GST को नॉट एप्लीकेबल करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। अमाउंट मैंने लिया 700 रुपीज़। और ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हमारे पास चेक मेंशन नहीं है तो इसलिए हम इसको एज अ कैश ही कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, बट डेट हम चेंज करते हैं। सबसे पहले 26 जुलाई की ट्रांजेक्शन है ये, तो मैंने F2 से इसकी डेट चेंज कर ली है। ओके, देन इसको एक्सेप्ट कर दिया शॉर्टकट की Ctrl+A से। Ctrl+A से आप डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 27 जुलाई की, जिसमें हमने सारे एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसको भी हम एक कॉमन वाउचर में ही करेंगे। 27 जुलाई में हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने जो एक्सपेंस किए हैं वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हैं। तो इसको भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया है, नॉट एप्लीकेबल इसको किया है, एक्सेप्ट कर देंगे। एंड अमाउंट देखेंगे, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस तो 500 है, मैंने पहले दूसरा वाला एक्सपेंस ले लिया। नेक्स्ट हमारे जो एक्सपेंस है वो है रिपेयर एक्सपेंसेस और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो हमारे जो रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं वो हम बना लेंगे रिपेयर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। GST को नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे इसका अमाउंट हम लेते हैं 2500 रुपीज़। यस, 2500 रुपीज़ हमने लिया। नेक्स्ट एक्सपेंस हमने लिया है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ये हमने लिया, इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, नॉट एप्लीकेबल करते हैं और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1000 रुपीज़ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, और इसको हमने यहाँ पे ले लिया कैश में, इसको एज अ कैश कंसीडर किया है। तो ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए हैं रिफ्रेशमेंट, रिपेयर एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जिनकी मैंने टोटल ट्रांजेक्शन कर दी है। इसमें था अमाउंट 2500, 1000 और 500 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 जुलाई में। 28 जुलाई में भी हमने कुछ ट्रांजेक्शन की हुई हैं। तो यहाँ पर हमने एक कार है जिसके हमने पेट्रोल एक्सपेंसेस पे किए हैं, ऑल्टो कार है, तो हम यहाँ पे ऑल्टो कार की पेमेंट कर देते हैं।
यहाँ पे हमने लिया, ये मेरे पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं, तो मैंने एक पेट्रोल एक्सपेंसेस का ग्रुप बनाया हुआ है, उसी के अंदर मैं सारे जितनी भी कार्स के मैं पेट्रोल पे करती हूँ, पेट्रोल का एक्सपेंस करती हूँ, उसको मैं एक ही ग्रुप में ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑल्टो कार का अमाउंट ले लिया है 3000 रुपीज़, जो मेरा एक्सपेंस हुआ है पेट्रोल पे। दोबारा से मैंने इसको डेबिट किया है, ये मैंने किया है शाम की सैलरी और ऑडिट फीस के साथ। तो यहाँ पर हम बनाते हैं ऑडिट फी, एक बना लेते हैं, इसको हम लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। GST को यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल किया है, ये हमने करके इसको एक्सेप्ट करना है। और ऑडिट फी जो है वो कितने अमाउंट की है, वो है 2750 अमाउंट की, ये हमने लिया। दोबारा से हमने डेबिट किया है क्योंकि हमने एक और लेजर बनाना है श्याम्स सैलरी के नाम से, ये मैंने बनाया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम एम्प्लॉय वाइज सैलरी मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग नाम से ही अकाउंट बना रही हूँ। तो यहाँ पे है अमाउंट है 4750, एक बार रीचेक करते हैं, यस 4750 ही अमाउंट है, ये मैंने लिया और इसको मैंने एज अ कैश कंसीडर कर दिया और इसको लेके एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद 28th of July की ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है। अब कुछ हमारी एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन है जो हमने 30th of July और 31 July में किया है। सीता की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमारी F7 वाउचर में हो जाएगी, क्योंकि हमने जो ये ट्रांजेक्शन की हुई है ये हमारी जर्नल में होती है, जो एडजस्टमेंट होती है। तो सीता सैलरी के नाम से बना हुआ है मेरा अकाउंट, तो मैंने सीता सैलरी लिया और इसको मैंने लिया है 2300 रुपीज़ से, 2300 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है सीता की सैलरी। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लाइबिलिटी होती है, तो इसको मैंने लिया है अंडर करंट लाइबिलिटीज, ये मैंने लेके एक्सेप्ट कर दिया। तो मेरी एंट्री हो गई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 30th of July और इसको लेके हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरी अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट है मेरा 1000 रुपीज़। तो अक्रूड क्या होता है, अर्नड बट नॉट रिसीव, वो इनकम जो आप अर्न कर चुके हैं बट आपने अभी तक रिसीव नहीं की है, तो उसको हम बनाते हैं अक्रूड के साथ। अक्रूड रेंट ये मैंने लिया, इसको लेती हूँ मैं करंट एसेट, क्योंकि मेरी अर्न हो चुकी है तो मुझे रिसीव करना है, इट मीन्स कि ये मेरी रिसीवेबल इनकम है, तो इसको मैं एज अ करंट एसेट कंसिडर करती हूँ। इसका मैंने जो अमाउंट लिया है वो अमाउंट है यहाँ पे अक्रूड रेंट का 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ लिया, क्रेडिट किया, अक्रूड रेंट है तो इट मीन्स कि रेंट रिसीव का मेरा एक लेजर बनेगा, ये मैंने लिया, ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड था तो मैंने उसी को ही लिया है, रेंट रिसीव का लेजर बना के इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन हम यहाँ पे लेंगे, तो मेरे पास अक्रूड सिर्फ रेंट ही है, तो मैं दोबारा से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ अक्रूड कमीशन के नाम से। इसको मैंने लिया है अंडर करंट एसेट, ये मैंने लिया और इसको यहाँ पर मैंने ले लिया अननोन करके GST, क्योंकि इसमें नहीं देना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे जो अमाउंट लिए वो लिए 2000 रुपीज़ मैंने लिया, और यहाँ पे लेजर बनाएंगे अक्रूड में कमीशन रिसीव का। तो कमीशन रिसीव का कोई लेजर मेरे पास नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पे लेते हैं कमीशन रिसीव लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये मेरी इनकम होगी, GST को नॉट एप्लीकेबल करूँगी, इसको मैंने लेके एक्सेप्ट कर दिया। तो ये मेरी ट्रांजेक्शन हो गई है 30th of July की। अब हमारी लास्ट 31st July की जो एडजस्टमेंट है वो है हमारी प्रीपेड रेंट। प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड रेंट होता है अगर हम एडवांस में कोई भी चीज़ की पेमेंट करते हैं, तो हम प्रीपेड का लेजर बनाते हैं। प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस, तो मैंने लिया प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट इज करंट एसेट, एडवांस में हम पे कर चुके हैं, ये मैंने लिया करंट एसेट लेके। इसका मैंने अमाउंट लिखा है प्रीपेड रेंट का 1500 रुपीज़। प्रीपेड रेंट है तो मैंने रेंट पे किया हुआ है, इट मीन्स कि रेंट मेरा पेड वाला है, तो एक नॉर्मल जो रेंट का लेजर बनाया गया है इसका मैं ग्रुप चेक करती हूँ मैंने क्या दिया हुआ है। यस, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ठीक है रेंट मेरा पे ही है तो मेरा एक्सपेंस ही रहेगा। एंट्री हम करेंगे
31 जुलाई में, तो एंट्री मैंने करी है प्रीपेड रेंट टू रेंट। ये सारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज जो होती हैं वो हमारी F7 वाउचर में कंसीडर होती हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड वेजेस 1000 रुपीज। वेजेस का लेजर मेरा बना हुआ है बट हमने प्रीपेड दिए हैं, तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करते हैं प्रीपेड वेजेस अंडर करंट एसेट अननोन। यहाँ पे हमने लिया जीएसटी में नहीं दे रही हूँ, 1000 रुपीज़ वेजेस हमने प्रीपेड दिए हैं, तो यहाँ पर हम प्रीपेड वेजेस टू वेजेस यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जेन कार का, हमने पेट्रोल एक्सपेंस किया है 1500 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हम F5 में करेंगे। जेन कार मैंने क्या कोई बनाई है? नहीं बनाई, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जेन कार अंडर पेट्रोल एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने इन सभी कार्स पे पेट्रोल से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसको पेट्रोल एक्सपेंसेस लेते हुए इसका हम अमाउंट लेंगे 1500 रुपीज़। ये मैंने लिया और इसको मैंने एज अ कंसीडर किया है कैश में, तो ये मेरी होगी जेन कार टू कैश, ये ट्रांजेक्शन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है मनोहर सैलरी 6750। मनोहर की सैलरी मैंने पे की है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी मनोहर सैलरी का मैंने एक लेजर क्रिएट किया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी को यहाँ पर मैंने नॉट एप्लीकेबल किया है और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसका अमाउंट लेते हैं 6750। यहाँ पे हमें दिख रहा है 6750 अमाउंट है इसका, तो ये मैंने ले लिया 6750 अंडर कैश, इसको मैंने लिया क्योंकि जो अमाउंट छोटा है उसको हम कैश में कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी शाम सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमने शाम की पे की है, तो शाम की सैलरी है आउटस्टैंडिंग जो अभी तक हमने पे नहीं की है, ड्यू बट नॉट पेड। तो यहाँ पे मेरा शाम की सैलरी के नाम से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, 250 रुपीज़ से मैं इसको कर रही हूँ। अमाउंट कुछ भी हो बस मैं आपको ट्रांजेक्शन करने का तरीका बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी और इसको कर दिया एक्सेप्ट, तो ये एंट्री हो गई हमारी शाम सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट इज मनोहर सैलरी प्रीपेड। मनोहर की सैलरी हमने प्रीपेड कर दी है, तो प्रीपेड सैलरी का एक लेजर क्रिएट किया जाएगा। प्रीपेड सैलरी ये हमने लिया अंडर इनडायरेक्ट, नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है ये हमारे, ये है हमारे प्रीपेड सैलरी है जो एडवांस में पे की हुई है, तो ये मेरा होता है करंट एसेट में, तो इसको करंट एसेट कंसीडर करना है प्रीपेड सैलरी को। और इसमें हम अमाउंट लेते हैं कि कितना अमाउंट है जो अभी प्रीपेड है, 750 अमाउंट, तो हमने 750 लिया और इसको ले लिया अंडर सैलरी अकाउंट। किसकी सैलरी है? मनोहर की सैलरी है, तो यहाँ पे हम मनोहर की सैलरी लेके एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कैरेज इनवर्ड, सामान के आने में जो खर्चा होता है, तो यहाँ पर मेरा बनेगा F5 में कैरेज इनवर्ड के नाम से मेरा कोई लेजर नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैरेज इनवर्ड क्योंकि मेरा आउटवर्ड के नाम से था। आउटवर्ड जो होते हैं वो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनवर्ड जो होते हैं वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनाया है। 1700 अमाउंट है, कैश में कंसीडर किया है बट मैं यहाँ पे कैश में कंसीडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें भी और भी एक्सपेंसेस ले रही हूँ। कौन से और एक्सपेंसेस मेरे रह गए हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बना लेते हैं हम यहाँ पे ऑल्ट सी से, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं, अब कुछ हमारे डायरेक्ट से रिलेटेड ही खर्चे हैं जो हमें करने हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया 4000 रुपीज़। ये मैंने लिया, दोबारा से डेबिट करती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग मैंने 4000 कर दिया। अब मैंने एक बनाना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से, ये मैंने बनाया, इसको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लिया है नॉट एप्लीकेबल करते हुए, इसको एक्सेप्ट किया है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मेरा एक्सपेंस है 1200 रुपीज़। यहाँ पे 1200 रुपीज़ लिया, अगेन यहाँ पे डेबिट करते हैं। एक और मेरा एक्सपेंस है इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है वो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, सामान के आने पे जो ड्यूटी हम पे करते हैं ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं अदर कंट्री से जब हम गुड्स लेते हैं इम्पोर्ट करते हैं,
तो इसका जो अमाउंट है वो है 2000 रुपीज़, ये मैंने लिया। अगेन हमने डेबिट किया। देखिए हम बहुत सारे एक्सपेंसेस एक साथ कर सकते हैं एक ही एंट्री में। फैक्ट्री लाइट, तो यहाँ पर मैंने बनाया है फैक्ट्री लाइट के नाम से। फैक्ट्री लाइट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस अलग अलग बना सकते हो आप, अगर आपको अलग अलग मेंशन किया हुआ है तो। फैक्ट्री लाइट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इसका हमने अमाउंट लिया है 2000 रुपीज़, ये मैंने लिया। और लास्ट में ये सारी चीज़ों को मैंने क्रेडिट कर दिए कैश से। तो ये मेरी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो मेरी कैश में हो गई हैं। अब उसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन बची है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। बट अभी तक मैंने कैपिटल की कोई भी ट्रांजेक्शन है जो मैंने नहीं की है, तो उससे पहले तो हमें कैपिटल की ट्रांजेक्शन करनी होगी, तभी तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज के लिए हमारे जितनी भी इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप इतना करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।